नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। और ये श्रेष्ठता आती है कुछ सुंदर सुवाक्यों से, क्योंकि सुवाक्य, अच्छे वाक्य, अच्छे विचार ही तो हमें बेहतरी की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे महापुरुषों के सुवाक्य हम रोज सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उसे जिया है, देखा है, अनुभव किया है, और उसी का निचोड़ उन्होंने हम सब के सामने सुंदर फल के रूप में, मक्खन के रूप में रखा है। यदि इस पर हम भी अमल करें तो जीवन सुंदर श्रेष्ठ बनता चलेगा। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। थॉमस पैन। सफलता की चाह रखने वालों के लिए ये सुवाक्य ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। जितनी गहरी हमारी मेहनत की जड़ें होंगी, सफलता के फल हमें उतने ही मीठे मिलेंगे। इसीलिए सफलता के साधकों को कभी भी संघर्ष से कतराना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव ने भी अपने महावाक्यों में कई बार स्पष्ट किया है कि पुरुषार्थ से ही हर सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए बस मेहनत करते रहिए, सफलता आज नहीं तो कल निश्चित मिलनी ही है। कितनी शर्मिंदगी होती है ना कई बार सबके सामने बाल खुजाते हुए। और कई बार हम ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हमें ज़ोर से खुजली हो रही होती है और फिर भी हम यहां अपने हाथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अवसर ही ऐसे होते हैं। भोजन बना रहे हों, खुजली हो रही हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, सिर खुजा रहा हो, भाषण कर रहे हों सबके बीच और कहीं बालों में रूसी तो नहीं है। यदि बालों में रूसी है तो बार बार इरिटेशन होती रहती है और हमें खुजाने की इच्छा होती है। तो आपकी सेहत आपके हाथ में, आज इस समस्या का निदान हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अल्पा शाह जी से। ओम शांति। बालों में रूसी की समस्या आमतौर पर देखा जाता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है। इसके लिए विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि बालों की रूसी होने का एक कारण ये है कि कईयों को देखा है कि कई दिनों तक बाल धोते नहीं हैं। नहाते हम रोज़ है, बाल पर भी मिट्टी लगती रहती है। बालों में अगर तेल है तो मिट्टी उसमें जम जाती है। इसलिए सर्दी के मौसम में 2 बार और गर्मी के मौसम में 3 बार बाल धोना ज़रूरी है। दूसरा, ओरल इंटेक के लिए, मुख से दवाई लेने के लिए त्रिफला टैबलेट, जो 3 फलों से बना है, हरडे, बहड़ा, आंवला, उसे रोज लेना है रात को खाने के पहले 3 गोली, क्योंकि कब्ज के कारण भी बालों में रूसी होती है। तीसरा, जिस पानी से हम स्नान करते हैं उस पानी में 1 नींबू निचोड़ देना है, जिससे बालों की रूसी नहीं होती है और बालों का जो रूखापन है वो चला जाता है। तो ये 3 बातों का ध्यान रखें। साथ में तुरटी जिसको बोलते हैं या फिटकरी जिसको बोलते हैं, उसको पानी में घोल के उस पानी को यहाँ पर अंदर की स्कैल्प की स्किन में लगा देना नहाने के आधा घंटा पहले, और फिर आधे घंटे के बाद उसे वॉश करना। ये करने से बालों की रूसी जा सकती है। ओम शांति। दोस्तों, हमने जाना रूसी दूर करने के उपाय। अब देखते हैं 5 ऐसी चीजें जो हमें अपने बालों पर कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, गर्म पानी से धोना। बालों को गर्म पानी से कभी नहीं धोना चाहिए, इससे हमारे सिर की त्वचा का प्राकृतिक तेल निकल जाता है और बाल ड्राई हो जाते हैं। दूसरा है तनाव में रहना। तनाव बालों के झड़ने और खराब होने का एक बड़ा कारण होता है, इसलिए स्वस्थ बालों के लिए तनाव से बचें।
तीसरा है केमिकल ट्रीटमेंट। अलग अलग प्रकार के केमिकल ट्रीटमेंट जो हमारे बालों को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, असल में ये हमारे बालों का बढ़ना रोक सकते हैं। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। स्ट्रेटनर, ब्लोअर, ड्रायर और कलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का इस्तेमाल समय के साथ हमारे बालों को ड्राई और बहुत कमजोर कर देता है। पांचवा है नमकीन पानी से धोना। क्लोरीन वाले पानी या समंदर के पानी में बाल धोने से हमारे बाल ड्राई और धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। तो स्वस्थ बालों के लिए इन पांच बातों का परहेज अवश्य करें। आइए मित्रों, आज स्पिरिचुअल इंडिया में हम चलते हैं एक ऐसे प्रदेश की ओर जो श्री राम की जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की लीला भूमि है, महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण की भूमि है, जहाँ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर सभी धन्य धन्य अनुभव करते हैं। इसे हम आध्यात्मिक और ऐतिहासिक प्रदेश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं आज स्पिरिचुअल इंडिया में उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश वो राज्य जो बेहतरीन मिसाल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। अलीगढ़ वो शहर जिसने पूरे विश्व में ज्ञान की रोशनी को बिखेरा है। वहीं यूपी में बसे इलाहाबाद को संगम का शहर भी कहा जाता है। भारत के तीन अन्य शहरों के अलावा कुंभ मेला इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार होता है। वहीं यमुना के किनारे बसा आगरा शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी इसी शहर में स्थित है। इस राज्य के लोग बहुत मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिंपल लाइफस्टाइल में रहना भी पसंद करते हैं। वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद एकता की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। पवित्र नगरी मथुरा में होली का त्यौहार विशेष तरीके से मनाया जाता है। यह उमंग और उत्साह का प्रतीक है। जन्माष्टमी के त्यौहार में यहाँ की रौनक ही अलग है, जिसमें वृंदावन सहित पूरे मथुरा को रोशनी और अनगिनत फूलों से सजाया जाता है। गंगा के तट पर स्थित है बनारस शहर यानी काशी, इसे वाराणसी भी कहा जाता है। इस शहर को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। बनारस में कुल 88 घाट हैं, जिनमें से ज्यादातर घाट में पवित्र स्नान और पूजा की जाती है। काशी को विश्व की सबसे प्राचीन नगरी में से एक माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं स्थित है। वहीं ब्रह्म कुमारी संस्था पुनः सत्युगी सृष्टि का कार्य तथा जन जन तक परमात्म संदेश यहाँ पहुँचा रही है। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी सीख में एक बात कहते रहे हैं हमें कि जुबां तख्त भी दिला सकती है तो तख्ते पर भी चढ़ा सकती है, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। और इसी सीख को अपने बहुत ही मखमली और गुदगुदाते हुए अंदाज में आज लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए जरा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार जीभ और दांतों में लड़ाई हो गई। दांतों ने कहा, हम संख्या में 32 हैं, तुझे चबा डालेंगे, तू तो अकेली ही है। तो जीभ ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तई कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सामने वाला आकर ही सारी 32 तोड़ जाएगा। कुदरत को सख्ती पसंद नहीं है बयान में, इसलिए उसने हड्डी नहीं दी है जुबान में। नमस्कार। सुंदर और प्रेरक सीख, सचमुच जिसकी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही सीख शिक्षा ब्रह्मा कुमारी बहने देती हैं, ये कहकर कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कितना सुंदर सा स्लोगन है ना, जो जीवन में आगे बढ़ने में कितना मददगार साबित हो सकता है। आइए आज के पीस न्यूज हाइलाइट्स में देखते हैं ऐसी सुंदर सीख देने वाली बहनें क्या कर रही हैं।
ब्रह्मा कुमारियों ने 2022 की शुरुआत का जश्न लुधियाना के ब्रह्मा कुमारीज रिट्रीट सेंटर विश्व शांति सदन में आध्यात्मिक मिलन कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। इस अवसर के आध्यात्मिक महत्व को साझा करते हुए ब्रह्मा कुमारीज लुधियाना की प्रभारी बीके सरस्वती ने कहा कि क्रिसमस का उत्सव हमें स्वर्ग के सुनहरे उपहार नई दुनिया की याद दिलाता है जो भगवान स्वयं हमें उपहार में देते हैं, जिसे हम नए साल के रूप में मनाते हैं। इस नव वर्ष में हमें सभी के लिए दिव्य प्रेम का नयापन लाना चाहिए और निराकार ईश्वर से जुड़कर अपने आप में गुणों को विकसित करना चाहिए। सांता क्लॉस और अन्य बच्चों ने मंच पर नृत्य किया और सभी को कैंडी बांटी। नए साल की शुरुआत खुशी, प्यार और आशावाद के साथ करने के लिए आयोजित कार्यक्रम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। मित्रों, ये था आज का सबरंग खास आपके लिए, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर महकते हुए फूल थे। निश्चित रूप से हम कामना करते हैं कि ये फूल सारे दिन आपको महकाते रहेंगे और आपको आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, साथ ही गुदगुदाते भी रहेंगे। इसे अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ज़रूर लाइए। इस गुलदस्ते की खुशबू स्वयं भी लीजिए और औरों को भी प्रदान कीजिए। तो आज का पूरा दिन आपके लिए खुशबूदार रहे, आनंद से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।